मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मौसूफ आज फिर नहीं आए? नहीं, वो दरअसल मुझे ड्रॉप करके गए, तो आते ही होंगे। क्या हमाद ने ड्रॉप किया आपको? जी, दरअसल बच्चों से मिलने आए थे वो कल। उन्होंने जिद की होगी तो रुके होंगे, और वैसे भी मौसम भी खराब था। हाँ, मैं जानता हूँ बच्चों से मिलने गया, लेकिन रात वहीं रुक जाएगा इसका अंदाजा नहीं था। अंदाजा तो मुझे भी नहीं था। खैर, बच्चों के आगे शायद कुछ कह नहीं पाए। सर, हाँ? आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। यू कैरी विद योर वर्क, बात करते हैं। क्या पता बच्चों की वजह से ही हम आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी, हमाद का इस तरह बच्चों से मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना, दैट्स अ वेरी गुड साइन। और आंटी, आपको पता है आज रामीन भी स्कूल में बहुत खुश थी। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन मुझे रिदा की तरफ से बड़ी फिक्र है। हालांकि हमारा नाज़िम तो हो चुका है, लेकिन फिर भी वो कभी हमारे से कोई शिकायत, कोई शिकवा नहीं करती। मेरी बच्ची बच्चों के खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। आंटी, मैं समझ सकती हूँ, रिदा के लिए बहुत मुश्किल है हमाद को इस तरह घर में देखना, बच्चों के इर्द गिर्द। लेकिन हमें रिदा की हिम्मत बनके उसका सहारा बनना होगा, और उसको हर कदम पे आपके सहारे की बहुत जरूरत है। जानती हूँ बेटा। आपको पता है सबसे ज्यादा खुशी की बात क्या है? हमारी रामीन वापस वैसी हो गई है जैसे पहले थी। आप तो जानती हैं रामीन लड़की जात है, किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फ्यूचर में कितनी डिफिकल्टी दे सकती है। हाँ बेटा, रामीन की खातिर तो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। हो सकता है आंटी बच्चों के जरिए ही हमाद और रिदा एक बार फिर करीब आ जाए। क्या पता यही वो रास्ता हो जिससे हमाद और रिदा के बीच की सारी दूरियां दूर हो जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। माशाल्लाह, कितनी खुश दिखाई दे रही है रामीन। अल्लाह ताला मेरी बच्ची को हर बुरी नज़र से बचाए, आमीन। हो सकता है आंटी बच्चों के जरिए ही हमाद और रिदा एक बार फिर करीब आ जाए। क्या वाकई महवूज ने जो कहा वो सच हो सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि रिदा और हमाद फिर से, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, मेरे रिदा का घर दोबारा से बस जाए, उसके घर का सूनापन दूर हो जाए? आमीन।